Yes? मेधा, हाय। अरे तुम कहाँ थी? इतने कमाल के डेवलपमेंट्स इस दौरान हो रहे हैं जो मैं तुम्हें बताना चाहती थी। भद्रा ग्रुप और मल्होत्रा ग्रुप का समझो मर्जर हो ही गया है। मैंने कई नए प्लान्स डिटेल में वर्कआउट किए हैं, ये लो, जब मौका मिले इन्हें पढ़ लेना, हम इन्हें अलग से बाद में डिस्कस करेंगे। अरे फाइल लो। ये क्या है? मेरा रेजिग्नेशन लेटर है। व्हाट? मेरा, तुम ये नहीं कर सकती हो। प्लीज, मेरे पास और कोई चारा होता तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करती। मैं मजबूर हूँ, प्लीज। ऐसी कौन सी मजबूरी है कि तुम मल्होत्रा इंडस्ट्री में एक इतनी अच्छी नौकरी छोड़ो? ऋषभ मल्होत्रा, इसी मजबूरी की वजह से पहले मैंने मल्होत्रा खानदान छोड़ा, अब मैं मल्होत्रा इंडस्ट्रीज छोड़ रही हूं। मैं ये जगह ही छोड़ रही हूं सदा। आई एम गोइंग टू लंदन। मेधा, तुम परेशानियों से बचकर भाग रही हो, और परेशानियां पीछा करने में मास्टर होती है। तुमने पल भर पहले मेरा फैसला सुना और अब ये सारे तर्क दे रही हो, जबकि ये फैसला सुनाने से पहले कई महीनों से मेरी अपने आप से जीने चल रही है। मुझे अपने और ऋषभ के रिश्ते को 6 महीने की आखिरी मोहलत देनी है सदा, और इन 6 महीनों के लिए मेरा इस शहर से दूर जाना बहुत जरूरी है, वरना अगर मैं यहां रही तो हमारा रिश्ता 6 दिन में ही दम तोड़ देगा। I'm sorry, Svetlana. मेरे बस में होता तो मैं ऐसे मौके पर तुम्हारा साथ ना छोड़ती। ठीक है, मैं तुम्हारा लेटर रख लेती हूं, लेकिन तुम्हारा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं करूंगी। मेधा, जैसे 6 महीने तक तुम्हारे लिए एक रिश्ता इंतजार करेगा, वैसे 6 महीने तक ये स्वेतलाना बैनर्जी और मल्होत्रा इंडस्ट्रीज भी तुम्हारा इंतजार करेगी। अभी यहां तुम्हारी काफी जरूरत है, लेकिन 6 महीने बाद कहीं ज्यादा होगी। ओके? ओके, थैंक यू।